और सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत रायसेन से मिल रही है। बड़ी खबर, रायसेन की सेहतगंज में शराब फैक्ट्री पर दबिश दी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दबिश दी। शराब फैक्ट्री में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी, 59 बच्चे मिले हैं। शराब फैक्ट्री में मजदूरी करते 59 बच्चे मिले हैं। प्रियंका कानूनगो की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो, उनकी मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। 59 बाल मजदूर मिले हैं शराब फैक्ट्री में काम करते। वैसे भी बाल मजदूरी गलत, और तिस पर शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरों से काम करवाया जा रहा था। 59 बच्चे मिले हैं प्रियंका कानूनगो की मौजूदगी में, यह पूरी कार्रवाई हुई है। सेहतगंज में शराब फैक्ट्री पर दबिश दी गई है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो, उनकी मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई है। 59 बच्चे मजदूरी करते मिले हैं। दिनेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात की जाए, प्रियंका कानूनगो हैं जो लगातार यहाँ पर बच्चों को, नाबालिग बच्चों को लेकर यहाँ पर दबिश दे रहे हैं। कल मंडीदीप में बिस्किट फैक्ट्री जो पार्ले जी है उस पर छापा मारा गया था, जिसमें नाबालिग बच्चे बरामद हुए थे। आज बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये शराब फैक्ट्री जो सोम डिस्लरी भी है, जो भोपाल और रायसेन मार्ग पर स्थित है, यहाँ पर जब टीम ने यहाँ पर दबिश दिए तो करीब यहाँ पर 59 बच्चे हैं जो उनको यहाँ पर मौके से बरामद किया गया है, जिनके हाथों में यहाँ पर कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है शराब को लेकर केमिकल के उनके हाथों पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दिए थे कि उनके हाथों पर नुकसान हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, क्या जिस तरीके से आज यहाँ पर छापा डाला है, नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे, क्या कहना आपका? अपन काम नहीं करते जी। टीम आई है यहाँ पे? जी आई। अच्छा जी, बच्चे नाबालिग, सूचना मिली थी क्या? जी मिली थी। हाँ, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपन सेहतगंज जी। क्या बनता है इस फैक्ट्री में? शराब बनती है जी। तो बच्चे यहाँ पर जाते काम करने के लिए, लोकल गांव के? जी जाते हैं। कितने बच्चे जाते हैं यहाँ पे? ये जाते होंगे 50-60 बच्चे जी। तो कुछ की उम्र भी यहाँ पर कम बच्चों की बताया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, तो उम्र तो कम ही है, 15-16। निश्चित रूप में यहाँ पर ललित देख सकते हैं आप किस तरीके से स्थानीय निवासी, उनका भी कहना है कि बच्चे जो है नाबालिग हैं, और इस रूप से यहाँ पर अपराध माना जाता है कि नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाना, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके से कैसे ये घोरक धंधा है जो वो यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि जिन नौनिहाल बच्चों के हाथ में यहाँ पर किताबें होनी चाहिए वो ना, उन बच्चों के हाथ में यहाँ पर शराब की बोतल थमा दी जाती है, उन बच्चों को यहाँ पर बोतल शराब की पैक कराई जाती है। निश्चित रूप से बड़ा मामला है, आप देखते हैं इस मामले में उठाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपराध इसको भी कहा जाता है कि जिन बच्चों को यहाँ पर स्कूल भेजने चाहिए सरकार की, सब पढ़े सब बड़े। बिल्कुल दिनेश, सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दिनेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे।